बनाएं अपने यादगार पलों को और भी खास महादेव फ्लावर डेकोरेशन के साथ। हनुमान मंदिर गली 5 सिविल लाइन सागर मध्य प्रदेश। जिला रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में सागर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से नगर और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का सम्मेलन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों को प्रशिक्षण देना और पुलिस के साथ तालमेल बनाकर कार्य करना रहा। प्रशिक्षण के दौरान सदस्यों को यातायात, महिला अपराध, एनआरएस की वैधानिकता, एनआरएस की कार्यप्रणाली और हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। सदस्यों ने विशेष रूप से रुचि लेकर सहभागिता दिखाई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागर रेंज के डीआईजी दीपक वर्मा ने सदस्यों की सहभागिता पर खुशी जाहिर करते हुए भविष्य में मानदेय के प्रस्ताव की बात कही। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने भविष्य में सदस्यों के लिए खेल प्रतियोगिता के आयोजन की बात कही। हमने के संयोजक बनाए जिससे आपका वन टू वन कोई भी कन्वर्सेशन हो सके, और हमने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि जब भी कोई कानून व्यवस्था रहे या कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहे। ये आप देख रहे हैं, ये बोल्ट है, यहाँ पे राउंड रखा जाता है और जैसे राउंड डालते हैं फिर इसको हम लोग ऐसे करते हैं। फिल्मों में देखा होगा आपने, देखा ना, जब हम ऐसे करते हैं तो गोली चैम्बर में चली गई, राउंड जो होता है वो चैम्बर में चला गया। जब चैम्बर में चला गया तो ये पीछे हिस्सा खिसक गया। अब हम इसके बाद इसको ट्रिगर को नगर एवं ग्राम रक्षा समिति अधिनियम 1999 एवं नियम 2003 के प्रावधानों का पालन करते हुए पुलिस के कृत्यों मैं सहयोग करूंगा, क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में। जैसे नदी के होते हैं ना, दो किनारे होते हैं नदी के, एक तरफ हमारे पुलिस है, एक तरफ जनता है, उसके बीच का जो ब्रिज है वो तो क्या करता है, हमारे लिए दो किनारों को जोड़ता है। तो जो पुलिस और जनता के बीच का गैप है वो ब्रिज का काम सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से आपके द्वारा किया निश्चित तौर पर इसकी उपयोगिता हमारे विभाग में, शासन में सभी ने समझा। इसी का परिणाम है, कुछ देर पहले जैसे पीयूष बता रहे थे, चीन के साथ लड़े हैं, पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, तो 1962 का जो हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना इसी हथियार के साथ लड़ी थी, जिसको ये 303 बोल रहे हैं, और चीनी सेना के पास जो थे ऑटोमेटिक वेपन थे, स्वचालित हथियार जिनको बोलते हैं वो चीनी सेना के पास थे। फिर उस युद्ध में हमको कुछ जमीन भी गंवानी पड़ी थी और बहुत सारे हमारे जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद फिर ये हथियार जो है सेना से हटा और पुलिस में ये लंबे समय तक चलता रहा। सेना में इसके बाद SLR आई और अब सेना में पूरी तरह से इंसॉस का यूज होता है, और पुलिस में भी अब ये हथियार जो है हट चुका है एक तरह से, और जेल में जो प्रहरी है उनके ये काम आता है। पर ये सबसे पुराना हथियार है। आज भी यदि आप हमारे पुलिस में यदि जवानों से जो पुराने हैं उनसे पूछेंगे तो सब बोलेंगे कि इसकी जो मार है सबसे अच्छी है, ठीक है, विश्वसनीय, क्योंकि जब भी आपको मुड़ना है तो आपको इंडिकेटर या हाथ का सहारा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी मृत्यु दर हुई है वो आपकी जो है लोगों की लापरवाही के कारण हुई है। आपने देखा होगा अधिकांश क्षेत्रों में आपके दुर्घटनाजन्य क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। एक समय होता था जब आप लोग इसको अन्य चीजों पे नाम देके कि कहीं कोई बिल्ली रास्ता काट गई,
कोई भूत प्रेत घूम रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है। दुर्घटनाएं जो होती हैं वो मात्र ड्राइवर की शुद्ध लापरवाही के कारण एवं गाड़ी के मैकेनिज्म के कारण होती है, और इस बात का सबूत जब आपकी गाड़ियों में, जो आपके फॉरेन की गाड़ियां हैं उसमें कैमरे लगे होते हैं आगे, वो जो है डिटेक्ट करते हैं कि हमारे वाहन की दुर्घटना किस प्रकार हुई। वो जो आंकड़े आए हैं तो उसमें जो है स्पष्ट दिखा है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही और सड़क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की लापरवाही के कारण हुई है। कोई तेजी से रोड क्रॉस कर गया, बिना देखे क्रॉस कर गया, कभी आपने जेब्रा लाइन क्रॉस कर दी, कभी आपने हाथ बिना दिए गाड़ी मोड़ ली, कहीं लिखा है कि शार्प टर्न धीमे चलें और आपने गाड़ी तेज चलाई, रोड अच्छे होने के कारण आपने गाड़ी 120 पे चला दी, 140 पे चला दी, ये सब मानक के कारण जो है दुर्घटनाएं होती है। बनाए अपने यादगार पलों को और भी खास महादेव फ्लावर डेकोरेशन के साथ। शादी विवाह, जन्मदिन एवं सभी मांगलिक कार्यक्रमों का इवेंट प्लानर, फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, फ्लावर डिलीवरी के लिए संपर्क करें महादेव फ्लावर डेकोरेशन। फ्लावर डिलीवरी के लिए संपर्क करें महादेव फ्लावर डेकोरेशन, हनुमान मंदिर गली 5 सिविल लाइन, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9685837495, 7697505183।